कृषि विभाग की छापामार कार्रवाई, फसलों के अवैध गोदाम पर छापा मारा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेशों के बाद फसलों की अवैध दवाओं और उर्वरक पर श्योपुर कृषि विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। श्योपुर कृषि विभाग द्वारा फसलों की अमानक दवाओं के एक भंडार गृह को सील करने की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में कृषि विभाग द्वारा लाखों रूपये की अवैध दवाओं को जब्त किया गया है। श्योपुर कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कृषि मंत्री के आदेशों के बाद ये कार्रवाई की गई है। कृषि विभाग के कृषि विस्तार अधिकारी शरद रघुवंशी ने बताया कि लगातार जिले में अवैध और डुप्लीकेट दवाओं को मार्केट में खपाने की सूचना प्राप्त हो रही थी, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। दवाओं के गोदाम को सील कर दिया गया है और आगे कार्रवाई जारी है। श्योपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इसमें माननीय सीएम साहब व कृषि मंत्री जी के 29 सितंबर को दिए गए निर्देश अनुसार ये कार्रवाई की है। इसमें गणेश कृषि सेवा केंद्र के प्रोपराइटर रिंकू शर्मा के खिलाफ लगातार डुप्लीकेशी अवैध व मानक व्यापार से संबंधित शिकायत मिल रही थी, तो उस आधार पे उनके गोदाम को पुलिस व कृषि विभाग के संयुक्त रूप से कार्रवाई की है और इनके सैंपल लिए गए हैं। सैंपल को लैब में भेजा जाएगा, जो भी स्थिति बनेगी उससे आपको आगामी जो कार्रवाई है उससे आपको अवगत कराया जाएगा।